दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुरी जगन्नाथ भगवान के बारे में कि कैसे उड़ीसा के तट पर भगवान श्री कृष्ण की इतनी विशाल मंदिर बनी। क्या था इसके पीछे की वजह, वो आज आपको इस कहानी में बताया जाएगा। बहुत समय पहले मालवा नामक एक राज्य था जिसके राजा का नाम इंद्रद्युमन था और जिनके माता पिता का नाम भारत और सुमति था। राजा इंद्रद्युमन भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे और हमेशा यज्ञ करवाते ही रहते थे। एक बार जब राजा सो रहे थे तो भगवान विष्णु ने सपने में आकर बताया कि हे राजन, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति की स्थापना कर दो। अगली सुबह होते ही राजा अपने सबसे खास मंत्री विद्यापति जी को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज देते हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे। वे राजा के आदेश अनुसार नीलांचल पर्वत की खोज में निकल जाते हैं और वे एक सबर नाम के कबीले के पास जा पहुंचते हैं, जहां पर पता चलता है कि इस कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता को इस नीलांचल पर्वत में ही कहीं छुपा रखा है। कुछ दिन वहां पर व्यतीत करने पर पता चलता है कि इस कबीले के जो मुखिया हैं, जिनका नाम था विश्ववसु, और वे ही नीलमाधव के उपासक थे और उन्होंने ही नीलमाधव की मूर्ति को गुफा में छुपा रखा था। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अपनी बीवी के जरिए नीलमाधव की गुफा में पहुंचने में सफल हो जाते हैं और उसी रात मूर्ति चुरा लेते हैं और लाके राजा के सामने पेश कर देते हैं। इधर मूर्ति चोरी होने की वजह से कबीले के मुखिया विश्ववसु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी हो जाने की वजह से काफ़ी दुखी हो जाते हैं और अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देते हैं। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो जाते हैं, जिस वजह से वे वापिस गुफा में लौट आते हैं। भगवान के वापिस गुफा में लौटने की वजह से अब राजा इंद्रद्युमन दुखी हो जाते हैं, जिससे भगवान एक बार पुनः राजा के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि दुखी ना हो राजन, मैं एक दिन तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, बशर्ते तुम मेरे लिए एक विशाल मंदिर बनवा दो। अगली सुबह होते ही राजा ने मंदिर बनाने का आदेश दे दिया और लगभग 2 साल में बहुत ही विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। जैसे ही मंदिर तैयार हुआ, एक बार फिर भगवान विष्णु ने राजा के सपने में आए और कहें कि हे राजन, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा उठा के लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा अगली सुबह होते ही समुद्र तट पर जाते हैं और वो पेड़ का टुकड़ा तो ढूंढ लेते हैं, पर सब मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे। तब राजा को ख्याल आया कि क्यों ना सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता ली जाए, जो नीलमाधव के बहुत ही बड़े उपासक हैं। उन्होंने तुरंत विश्ववसु को बुलाया और विश्ववसु अकेले ही उस पेड़ को उठाकर मंदिर तक लेके चले गए और यह देखकर हर कोई दंग रह गया था कि जो पेड़ इनसे हिल भी नहीं रहा था, उसे विश्ववसु अकेले उठा के लेके चले गए।
अब बारी थी तो लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने अनंत कोशिश की, पर कोई भी लकड़ी पर एक छेनी भी न लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर के आते हैं और राजा से कहते हैं कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं और साथ में कुछ शर्तें भी रख देते हैं कि वे मूर्ति को 21 दिन में पूर्ण करेंगे और वह यह काम अकेले में करेंगे ताकि उन्हें कोई देख न सके, और अगर 21 दिन से पूर्व कोई देखता है तो मैं मूर्ति बनाना उसी वक्त बंद कर दूंगा। राजा ने उनकी सारी शर्तें मान ली और वह एक बंद कमरे में काम करने लगे। लगातार 16 दिनों तक लोगों को आरी, छीनी, हथौड़ी एवं अन्य औजारों की आवाजें आती रही, परंतु 17वें दिन कोई भी आवाज न आने की वजह से राजा इंद्रदयुमन की पत्नी गुंडीचा परेशान हो जाती है कि कहीं कारीगर भूख प्यास की वजह से मर तो नहीं गया, और इसी चिंता में वह बंद कमरे का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, विश्वकर्मा भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और कमरे में बस 3 मूर्ति अधूरी पड़ी थी, भगवान नीलमाधव एवं उनके भाई बलिराम जी के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन पाँव नहीं, जबकि सुभद्रा के तो ना तो हाथ ही बने थे और ना ही पाँव। राजा ने विश्वभवन की इच्छा मानकर इन्हीं 3 अधूरी मूर्तियों की स्थापना करवा दी और तब से लेकर आज तक इसी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर की कभी परछाई नहीं बनती और यहाँ के भंडार से भोजन भी कभी समाप्त नहीं होता। इस मंदिर के ऊपर से ना ही कोई पक्षी गुजरता है और ना ही कोई विमान। इस मंदिर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है और इस मंदिर का ध्वज हर दिन शाम को 5 बजे बदला जाता है। अगर आपको भगवान नीलमाधव की यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।